इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र रावत। आज की सबसे बड़ी खबर बाड़मेर से आ रही है। बाड़मेर सेड़वा में बालिका से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ा। ग्रामीणों ने दी मतदान के बहिष्कार की चेतावनी। बताते चला कि बाड़मेर के आलू का तला गांव में एक बालिका के साथ विद्यालय के शिक्षक द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला तूल पकड़ चुका है। मामले में शिक्षक की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने के चलते ग्रामीणों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर के आलू का तला में ग्रामीणों ने अब साफ चेतावनी दी है कि आरोपी शिक्षक पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों की इस नई चेतावनी से आलू का तला बालिका छेड़छाड़ प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। गुरुवार की रोज़ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण लामबंद हुए और अटल सेवा केंद्र का घेराव किया। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। मामले में अब ग्राम पंचायत चिचड़ासार के लोग किसी भी तरह की ढिलाई नहीं चाहते। ग्रामीणों ने साफ किया है कि बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। बेनू चौहान की रिपोर्ट। देना है ये हमारा खुद का मत है, नहीं करेंगे हमारी मांग थी, हम और उसके कारण भी होते, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसने गलत काम किया है, हम कार्रवाई करेंगे। स्कूल के तमाम दस्तावेज अंदर होते हैं या कि उसको खोल के कोई निकाल के ले जाता है या वहाँ रखता है, इसकी कोई जिम्मेदारी होती है ना पीछे? ये सब मामला संगीन है नहीं? संगीन नहीं है, संगीन नहीं है, महासंगीन मामला है ये। संगीन तो कुछ नहीं होता, एक तो घटना पहले उसने कर दी, फिर दूसरी घटना और कर दी है। इस पूरे मामले में दो कार्रवाई चलेंगी, एक कार्रवाई चली विभाग कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत धीमी गति में चल रहा है, उससे ऊपर भी ये कार्रवाई पर ऐसा कुछ घटना होती है। धीमी गति नहीं, लगभग मिली भगत है सब मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, वो अलग छोड़ो बात को। आपके हमारे साथ है, भवनों के साथ है और जो लोग खड़े आए हैं सारे इस चीज को लेके आए। मैं भी कल सरपंच साहब फोन आया था मेरा नोवा, तो गंभीरता से लिया प्रशासन ने और हमने आदेश कर दिया है अध्यापक को हटाने का। यहाँ से ऐसे रूप से हटा दिया है, यहाँ जो नहीं करेगा वो, जहाँ भी आएगा वही रहेगा, यहाँ नहीं आएगा। अगर अपने लेवल पे कोई आता है तो अपने सुरक्षा को जिम्मेवार होगा। कोई गांव से घटना घटती है, स्टाफ में आज वो शामिल नहीं है। आज अभी साहब मेरी बात सुन, पढ़ने बात करना कि अभी इस वक्त इसका इंचार्ज कौन है? बात मेरी कर ली है, वो कह दिया गया उनको। स्कूल की व्यवस्थाएं होती है सर, जब आदमी स्कूल की व्यवस्थाएं आदेशित कर दिया है। स्कूल की व्यवस्था में क्या होता है कि रिकॉर्ड होता है, इतना स्कूल में सोचता नहीं है कोई घटना घट जाएगी। अपने घर में चोरी होती है तो सोचते हैं चोरी हो जाएगी, लेकिन चोरी होती है फिर कार्रवाई होती है। तो पाबंद कर दिया है, रिकॉर्ड रजिस्टर में रहेगा, अलमारी में रहेगा, ताले में रहेगा और कोई रिकॉर्ड बाहर नहीं रहेगा। उसकी तरफ से हटाने आदेश हमने कर दिया। ताले में था नहीं? ताले में था, बाहर होता है, बाहर को खुला थोड़ी होता है। इसके लिए विभाग जांच करेगा, अपने कस्मों से पंचायत से न्याय नहीं होते हैं। बाकी साथियों, निवेदन मेरा आपसे दोबारा चलने से पहले है कि स्कूल का ताला बंद नहीं करें, बच्चों पढ़ाई चलने दें। और शिष्टाचार बस एक बात जरूर होती है कि अगर समस्या है, आपको लगता है नया नहीं मिल रहा है, तो पांच आदमी जाकर के साहब से मिल लें कि साहब हमारी समस्या ये आ रही है, हमें न्याय देना है। आप निश्चित न्याय मिलेगा सर। ताला तो हमने पहले भी नहीं मारा और आज भी नहीं मारा स्कूल में, ताला नहीं मारा। ताला मारने से क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं होगा, न्याय मिलता रहे, पढ़ते रहे। बाकी अपनी लड़ाई आपकी है तो थोड़ा जाके अभी हूँ है सर, हमने लिखित में दे दिया है। जब तक ये आरोपी नहीं पकड़ा जाता तब तक हमारी गांव के बच्चे कोई स्कूल में नहीं आएंगे और ना ही तो हम वोट करेंगे, चुनाव का हम बहिष्कार करते सर।
आपका जो भी प्रतिवेदन है आपका जो हमने लिखित में दे दिया है सर आपको पूछा इंस्पेक्टर से, ठीक है। जिस आदमी का मौके पे बयान हुआ है पुलिस के, इसके मतलब ये बयान भी हो गया है सर, उसके बाद भी मतलब मुलजिम खुले में घूम रहा है, ये पुलिस प्रशासन का रवैया कमजोर है या पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है या तो मतलब ताना सही आप क्या कहना चाहते हैं? ताना सही नहीं है, प्रोसेस चल रही है, इलेक्शन भी चल रही है, उसके साथ सब कर्मचारियों को बांध रखना है, हर जगह चेकिंग हो रही है, उस हिसाब से सब काम चल रहे हैं। लेकिन सर फिर जनता इस पर विश्वास कैसे करे? विश्वास करेगी जनता अभी नहीं सर, ये खुले में आकर उसके घर पे आकर चैलेंज कर रहा है, एक अपराधी अपराधी उसके घर पे आकर चैलेंज कर रहा है। अच्छा सर ये मतलब कानून क्या कहता है कि स्कूल के अंदर आके वो क्या अपराधी एडवांस कर सकता है क्या? ये कैसे कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता अपराधी, क्या कोई भी एडवांस में कोई नहीं कर सकता, ये कार्रवाई होगी, ये अलग से कार्रवाई होगी, ये अलग से कार्रवाई होगी, वो तो अलग से चल रहा है सर, काम ये तो काम किसी टीचर को सौंपा है सर। आप बीओ साहब ने सर फोन पे कल बताया कि रजिस्टर आप इनको दे दो, इस आप क्या करना चाहते हो? बीओ साहब ने कल कहा कि आप दे दो, ये देख रहा है एक अपराधी, सूचना नहीं मिली क्या बात है, वो उनके डिपार्टमेंट को हम बता देंगे कि ये रखा है, तो उसके साथ भाई ये कार्रवाई तो किसने की है, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, उनको नॉलेज है नहीं, आपकी बात है हम पहुंचा देंगे उनके डिपार्टमेंट कह देंगे वो क्या करें, वो जांच करवाने। लेकिन जब तक सर ये पूरी जनता ये कहना चाहती है कि मतलब जब तक कार्रवाई नहीं अपराध होगी तब तक मतदान का बहिष्कार होगा, उस तरह से डिसीजन मतलब कार्रवाई तो होगी सर जनता।